क्या झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में ही हो जाएंगे? आखिर झारखंड में चुनाव के लिए निर्धारित समय से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी क्यों की जा रही है? निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने से किसी पार्टी विशेष को इसका लाभ पहुंचेगा? झारखंड के राजनीतिक गलियारों में फिलहाल इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये सवाल लोगों के जहन में तब से आए जब से सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। हेमंत सोरेन के बीते कुछ दिनों के बयानों से अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि झारखंड में इस बार चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। जब से हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, अपने सभी राजनीतिक संबोधनों में उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने की बात कह दी है। हेमंत सोरेन लगातार चुनाव आयोग की आड़ में केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद अपने पहले ही भाषण में कहा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि नियमित समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। मैं तो कहता हूँ पहले क्या, चुनाव कल ही करा लें तो परसों उनका सफाया हो जाएगा। इसी बात को हेमंत सोरेन ने अपने संथाल दौरे पर भी दोहराई। उन्होंने बीते कल भोगनाडी में भी अपने संबोधन में कहा कि समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी उन्हें आगाह कर दिया कि चुनाव की घोषणा कर ही दो, पहले क्या, तुम कल ही चुनाव करा लो। हेमंत सोरेन के चुनाव पहले कराने वाली बात पर बार बार जोर देने से अब झारखंड में चुनाव नियमित समय से पहले होंगे इसकी प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। समय से पहले चुनाव होने की बात से लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। समय से पहले चुनाव कैसे होंगे, क्या है इसकी प्रक्रिया, या फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इस तरह के तमाम सवालों पर ही आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में एक बार फिर चुनावी हलचल जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी लोकसभा के चुनाव के नतीजों का शोर अच्छे से थमा भी नहीं है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल फूके जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में ही हो सकते हैं, यानी अब से ठीक 3 महीने के बाद झारखंड में नए सरकार के चुनाव के लिए मतदान होंगे। हालांकि राज्य में विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव तो होते ही, लेकिन फिलहाल राज्य में चर्चा का विषय है समय से पहले चुनाव। झारखंड में 2019 का विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में हुआ था। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल भी 5 जनवरी को खत्म होने वाला है, लेकिन इस बार अक्टूबर में चुनाव की खबरें राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, अब तक कई बार जल्दी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं। बीते कल भोगनाडी में अपने जनसभा में हेमंत सोरेन ने जल्दी चुनाव कराए जाने को लेकर भाजपा को खुली चुनौती दे दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है, समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या, तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। लेकिन झारखंड में समय से पहले चुनाव होने की संभावना क्यों जताई जा रही है? दरअसल देश भर में 2024 में 4 जगहों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड सहित जम्मू कश्मीर भी शामिल है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में 2024 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होना है, लेकिन झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। फिर भी यहां चुनाव अक्टूबर में ही कराए जाने की बात की जा रही है। बता दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग नियत समय के 6 महीने के अंदर चुनाव करा सकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार चुनाव आयोग के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जता सकती है और ना ही उनके काम में कोई भी बाधा डाल सकती है। ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास 5 जुलाई से लेकर 5 जनवरी तक का समय है। इस बीच झारखंड में कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं।
हालांकि पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त झारखंड का चुनाव साथ में नहीं बल्कि अलग से नवंबर दिसंबर में कराए गए थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग सभी राज्यों में एक ही बार में चुनाव कराने की तैयारी में नजर आ रही है। झारखंड में चुनाव जल्दी कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे लेकर कहा कि हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। झारखंड में अक्टूबर को ही समय सीमा मानकर चुनाव आयोग और पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टियों के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अगर राज्य में अक्टूबर में ही चुनाव होने हैं तो 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अक्टूबर में राज्य में दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्यौहार भी हैं, जिसे लेकर चुनाव अक्टूबर में होंगे इसकी संभावना कम है। हालांकि जब तक तिथियों की घोषणा नहीं की जाती तब तक इसे लेकर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अधिसूचना जारी होने के बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि झारखंड में चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे या अक्टूबर में ही हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।